टीम इंडिया ने तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 90 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में भारतीय ओपनर शुभमन गिल, कप्तान रोहित शर्मा और पूरी टीम ने एक से बढ़कर एक 6 बड़े रिकॉर्ड बनाए। गिल तो लगता है कि पाकिस्तान बल्लेबाजों के पीछे ही पड़ गए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह आप स्टोरी में आगे अच्छी तरह से जान लेंगे। तो चलिए अब आंकड़ेबाजी का आनंद उठाते हैं। भारत के 23 वर्षीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में शुरुआती 21 पारियों के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अब तक 21 वनडे खेले और 21 पारियों में 73.76 की औसत से 1254 रन बना लिए हैं। गिल से पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के इमाम उल हक के नाम था। इमाम ने अपने करियर की पहली 21 पारियों में 60.56 की औसत से 1090 रन बनाए थे। गिल ने इस शानदार शतकीय पारी की मदद से बाबर आजम के 7 साल पुराने एक रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। यह रिकॉर्ड है 3 वनडे मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का। बाबर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2016 में 3 वनडे मैचों की सीरीज में 360 रन बनाए थे। गिल ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 360 रन ही बनाए हैं। टीम इंडिया इस मैच में अगर 8 रन और बनाती तो वह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना लेती। भारत ने 2009 में क्राइस्टचर्च वनडे में कीवी टीम के खिलाफ 392 का स्कोर बनाया था। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बना दिया। इन दोनों ने पहले विकेट की साझेदारी में 212 रन जोड़े। पिछला रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर के नाम था। इन दोनों ने 2009 में हैमिल्टन में 201 रन की पार्टनरशिप की थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में भारत के सभी बल्लेबाजों ने मिलकर 19 छक्के जमाए। यह किसी वनडे मैच में सबसे ज्यादा सिक्स के पिछले भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी है। भारतीय टीम ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में भी 19 छक्के जमाए थे। तब 16 छक्के अकेले रोहित शर्मा ने जड़े थे। रोहित शर्मा ने वनडे करियर की 30वीं सेंचुरी जमाई है। इसके साथ ही उन्होंने रिकी पोंटिंग की बराबरी कर ली है। उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर और कोहली ही मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्रिकेट से संबंधित वीडियो रोजाना मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।